की वारदात के दौरान बदमाशों ने चाकू और तलवार से हमला करके पिता पुत्र की हत्या कर दी और दादा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सागरकुटी चौराहे पर बीती रात दुकान बंद करके घर जा रहा व्यापारी पर हमलावरों ने घात लगाकर हथियारों से हमला कर दिया है, जिससे पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई और दादा का हाथ कट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागरकुटी चौराहे पर पेट्रोल पंप के आगे बेटमा रोड पर गुप्ता परिवार की संदीप ट्रेडर्स के नाम से किराने की एक बड़ी दुकान है। 24 जून को व्यापारी के यहाँ 3 लाख रुपए की चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट बेटमा थाने में दर्ज की गई थी। रविवार को लाइफ सिटी कॉलोनी में लुटेरों ने विंध्याचल गुप्ता, बेटे संदीप गुप्ता और दादा सुधामा गुप्ता पर हमला कर दिया और लाखों रुपए लूट कर भाग निकले। बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमलावरों ने दादा सुधामा का हाथ काट लिया। दादा को चोईथराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बार कुटी चौराहे पर पुलिस चौकी की मांग की गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। रहवासियों ने घटना को लेकर चक्काजाम भी किया। चंद्रावंतीगंज से संतोष व्यास की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये दो दो लाशें हो गई हैं, तीसरे का हाथ काट दिया गया है, उसके बावजूद भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। पुलिस प्रशासन है क्या है, आए दिन उनके ऊपर हादसा होता ही रहता है। आप अभी रात को 10:30 बजे ये ब्राइट सिटी कॉलोनी में गुप्ता परिवार रहता है, किराने के व्यवसायी हैं। सुदामा गुप्ता उनके लड़के हैं, विंध्याचल गुप्ता और विंध्याचल के लड़के हैं सुनील गुप्ता। इन तीनों पर कुछ अज्ञात लोगों ने, जो 3 की संख्या में परिवार बता रहे हैं। कल रात में बाहर आवाज़ आई, मैं गई, आवाज़ सुन के बाहर देखा तो लड़ाई हो रही थी। 3 गुंडे थे, पापा को और पापा ने भैया ने दोनों एक एक को पकड़ रखा था और एक दादा के पीछे भाग रहा था। रात को हमारे यहाँ 25 से व्यापारी है गुप्ता जी, जिनके भोजपुरी कॉलोनी में किराने का व्यापार है, जो कि रात को करीब 10 बजे अपने घर पे आ रहे थे। वहाँ पे वो पोता, उसके पापा, उसके दादाजी तो घात लाकर बैठे। कुछ अपराधी तत्व जो लूट के जो व्यापारी गुप्ता परिवार जी को हम पहले से जानते हैं, वो अपने घर पे आए और उनके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की नीयत से और चाकू धारिया और तलवार से हमला किया। इस सूचना पर हम लोग तुरंत घटनास्थल पहुँचे और